गाइस, मेरा नाम आसिम। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमटी का थर्ड चैप्टर क्या है? प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लो क्या होती है। इंट्रोडक्शन। वेव आर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी और इन्फॉर्मेशन। क्या होता है, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है या फिर इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करता है। सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल ऑफ ईएमवेव। ईएमवेव कुछ एग्जाम्पल है, आर रेडियो वेव, टेलीविजन सिग्नल, रडार बीम एंड लाइट रे। ये सारी क्या होती है, ईएमवेव होती है। ठीक है, कुछ करेक्टरिस्टिक है जो मीडियम जिसमें फ्लो कराते हैं, उस मीडियम की कुछ करेक्टरिस्टिक है। हम दो तीन मीडियम फ्लो करा सकते हैं ईएमवेव को। पहला तो फ्री स्पेस, दूसरा डायलेक्ट्रिक, तीसरा कंडक्टर। ठीक है, तो फ्री स्पेस में होता है सिग्मा इतना जीरो होता है, एप्सिलॉन कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट होता है। डायलेक्ट्रिक में सिग्मा जीरो होता है, एप्सिलॉन म्यू, एप्सिलॉन म्यू मतलब एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट, म्यू इक्वल टू म्यू आर इनटू म्यू नॉट। अंडरस्टूड? ठीक है, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में सिग्मा इक्वल टू इनफिनाइट होता है। याद रखना, जो फ्री स्पेस और डायलेक्ट्रिक में सिग्मा कितना होता है, जीरो होता है, और कंडक्टर में सिग्मा कितना होता है, इनफिनाइट होता है। ठीक है, या फिर दूसरा ये तरीका है, सिग्मा लेस देन ओमेगा एप्सिलॉन नॉट। अगर हम ओमेगा एप्सिलॉन को यहाँ ला देंगे, सीधा सीधा होता है सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इज लेस देन वन, ऐसे ले सकते हैं। हाँ, इसको हम कैसे ले सकते हैं, सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन वन, मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन, लेस देन वन होती है, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है जिसमें कंडक्टर में, डायरेक्टर में लेस देन वन होती है। क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होंगे। ठीक है, अल्फा बीटा वैल्यू आई सब देख लिया। तो बी प्रोपोगेशन इन लॉसी डायरेक्टर, तो कुछ नहीं, ये देखो सीधा क्वेश्चन है। जो हमारे वेक्टर वेक्टर वेव इक्वेशन और वेक्टर हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या क्या होती है, जो हमारा ई फील्ड डेल टू ई माइनस गामा टू ई इक्वल टू जीरो होता है। एच फील्ड क्या होता है, डेल टू एच माइनस गामा टू एच, इससे क्वेश्चन फॉर्म नहीं होते हैं, इसीलिए आप इसको इससे फॉर्म होते हैं क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन लिखी होगी तो बोल देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, प्रोपोगेशन की डायरेक्शन बताइए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। ठीक है, एक इक्वेशन में उसकी डायरेक्शन तथा प्रोपोगेशन डायरेक्शन दे रखी होती है। ठीक है, जैसे ये हमारा इक्वेशन लिखा रहा है ई जेड एक्स, तो जो एक्स है वो किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो ये जेड है, इसी डायरेक्शन में प्रोपोगेशन स्टार्ट, मतलब किस हमारा जो वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, मतलब किस में जेड डायरेक्शन हो रही है। तुम्हारे एक्स ये किसकी डायरेक्शन शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और जो हमारे ये जेड है किसकी डायरेक्शन शो करता है, दिस इज प्रोपोगेशन वेव, कि हमारी वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड देख लो, मैग्नेटिक फील्ड में वाई कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, और हमारी जेड रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेव किस जो अंदर वाला होता है वेव की डायरेक्शन प्रोपोगेट करता है, किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। ऐसी इस साइड देख लो, ये क्वेश्चन ऐसे की होगी, तो ये वाई होगा वो किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी, और जो जेड होगी प्रोपोगेशन डायरेक्शन होगी, इसे याद रखना। ठीक है, ऐसे ही होंगे। जो गामा है, गामा है, गामा बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, वो किसका होता है, अल्फा प्लस जे बीटा बराबर होता है। गामा इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा। अल्फा क्या, अटेन्यूएशन कांस्टेंट। अल्फा क्या है, अटेन्यूएशन कांस्टेंट। बीटा क्या, फेज कांस्टेंट, याद रखना। अल्फा अटेन्यूएशन कांस्टेंट, बीटा क्या, फेज कांस्टेंट। और यहाँ पर दूसरी इक्वेशन होती है इसी की, गामा स्क्वायर इक्वल, गामा तो यहाँ पर कहते हैं गामा स्क्वायर इक्वल टू जे ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। क्या, जे ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। ठीक है, इतना याद हो गया। जो अल्फा बीटा की वैल्यू होती है, अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, इसे याद रखना। ठीक है, ओमेगा की अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा इंटू रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन अपॉन टू ब्रैकेट रूट ऑफ वन प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर माइनस वन। बीटा सेम होता है लेकिन यहाँ माइनस था, यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। याद कैसे करना है, ओमेगा रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन बाय टू, या म्यू एप्सिलॉन अपॉन टू अंडर रूट वन प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर माइनस वन। लड़की गलती क्या करते हैं, यहाँ ब्रैकेट ही लगाते हैं। ठीक है ना, सीधे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, गलती मत करना। ठीक है, ऐसे बीटा के जो कॉपर होता है, याद रखना कॉपर क्या था, ऑलवेज बिहेव एज अ कंडक्टर। जो कॉपर होता है वो हमेशा कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, जिसमें सिग्मा इक्वल टू 5.8 इन 10 पावर 7 म्यू पर मीटर होता है।
और सिग्मा इज ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन ऑन एट हाई फ्रिक्वेंसी। कैसे हाई फ्रिक्वेंसी में सिग्मा ग्रेटर देन इतना होता है, और सिग्मा वैल्यू कितनी होती है 5.8 इंटू 10^1 माइनस सो 10^7 म्यू पर मीटर कंडक्टर होता है। कंडक्टिविटी है कंडक्टर कॉपर की, और कॉपर क्या होता है ऑलवेज वेव एज अ कंडक्टर। जैसे कि हमारा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट फील्ड इसके इसमें दे रखा होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कोई हमारी इक्वेशन दे रखी होगी ऐसे ए नॉट ई टू पावर माइनस अल्फा जेड ई टू पावर जे टाइम्स ओमेगा टी माइनस बीटा जेड इंटू ए एक्स। जो ए एक्स आई एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, और जेड क्या कर रहा है जेड रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोपगेशन की डायरेक्शन की हमारी वेव किस डायरेक्शन पर रोटेट हो रही है। ठीक है, ऐसे मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या है वाई है, और वेव की डायरेक्शन क्या है जेड है। याद रखना ओमेगा टी माइनस बीटा जेड यहाँ से आता है, अगर कोई क्वेश्चन दे रखा होगा इस फॉर्म में तो ओमेगा में यहाँ से लेंगे और बीटा कहाँ से लेंगे यहाँ से लेंगे। ठीक है, हम वेलोसिटी निकाल लेंगे लाइट की या वेव की तो यहाँ से नहीं लेंगे। ठीक है, ये किसमें था एस एस डोमेन में था। टाइम डोमेन में क्या होता है ओमेगा सॉरी ई जेड टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू पावर माइनस अल्फा टी कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड आई एक्स। आई एक्स किसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, वो जेड किसकी डायरेक्शन है डायरेक्शन वेव की प्रोपगेशन वेव की। ऐसे वाई की डायरेक्शन एच की डायरेक्शन क्या है वाई है, एच की डायरेक्शन क्या है वाई है, वेव की डायरेक्शन क्या है जेड एक्सेस। ठीक है, और एक याद रखना जो ई एच पी होता है वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन वो करता है, मतलब ई क्रॉस एच करेंगे तो पी की डायरेक्शन आएगी, पी क्रॉस ई करेंगे तो एच की डायरेक्शन आएगी। ठीक है, सेम सेम ऐसे क्या बोला मैंने ई क्रॉस एच करेंगे तो पी के डायरेक्शन आएगी, पी क्रॉस ई करेंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एक्स वाई जेड पड़ा होगा। ठीक है, तो वही है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें किस में रखी थी एक्स डायरेक्शन में रखी थी, मैग्नेटिक फील्ड में रखी थी वाई डायरेक्शन में, और हमको ये पता नहीं किस डायरेक्शन में, तो इन दोनों पहले क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे किसके ए एक्स ए वाई किस बराबर होता है ए जेड बराबर होता है। ठीक है, हाँ, और ई एच पी है एच पी ये तीनों क्या होते हैं ऑर्थोगोनल एज होता है, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं सारे सारे कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन वेव के जो कंपोनेंट होते हैं आपस क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इंटेंसिक इंपीडेंस किससे डिपेंड करते हैं कैपिलिटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपन मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होता है, जो इंटेंसिक इंपीडेंस होता है कैपिटल ईटा इसको या ईटा इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं ई अपॉन एच में इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ठीक है समझ आ रहा होगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन होती है इंटेंसिक इंपीडेंस ई रूट ऑफ जे ओमेगा एप्सिलॉन जे ओमेगा मी अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। ठीक है ना, क्या रूट ऑफ जे ओमेगा मी अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन ये फॉर्मूला याद रखना। क्या ईटा ईटा इक्वल टू होता है रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। ठीक है, और इसका एंगल निकालोगे एंगल निकालोगे अंडर रूट है तो 1/2 हो जाएगा, एंगल ऊपर वाले से आएगा या फिर नीचे वाले से आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें एंगल निकालने के लिए जे ओमेगा एप्सिलॉन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जे ओमेगा म्यू से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा एंगल कितना आ जाता है थीटा एन, थीटा एन इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन है, सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। ठीक है, हाँ देखो फेज वेलोसिटी, ये फेज वेलोसिटी होती है क्या होती है वी इक्वल टू ओमेगा अपॉन मीटा, जो फेज वेलोसिटी होती है क्या होती है ओमेगा अपॉन मीटा, याद रखना क्या होती है ओमेगा अपॉन बीटा, वो क्या होती है 1/वेव नंबर बराबर होती है, फेज वेलोसिटी होती है 1/वेव नंबर बराबर होती है। इसको हम लिख सकते हैं सी अपॉन रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन रूट ऑफ म्यू सन, तो सी के लिए कितनी होती है सी वो हम 1/ रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन। ठीक है ना, याद रखना स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर 1/ म्यू नॉट रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, फेज वेलोसिटी होती है ओमेगा अपॉन बीटा, ओमेगा अपॉन बीटा कहाँ से आएगा इस इक्वेशन मतलब हमारी इक्वेशन ये दे रखी हुई या फिर ये दे रखी हुई है ओमेगा यहाँ से आएगा बीटा यहाँ से आएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी देख लो समझ लो थोड़ा सॉरी यार, तो जो बीटा होता है 2π/λ पड़ेगा, λ = 2π/β,
एच इक्वल टू पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है। अगला क्या, फेज वेलोसिटी डिक्रीज एज लॉस लॉ सॉरी लॉस टेंजेंट इंक्रीज फ्रॉम 3 × 10^8। मतलब अगर लॉस टेंजेंट लाइट से ज़्यादा हो गया, 3 × 10^8 से ज़्यादा होगी, तो हमारी फेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज करने लगती है, ठीक है। याद रखना है, एक पॉइंट एक नंबर में आ जाता है। लॉस टेंजेंट होता क्या है, लॉस टेंजेंट होता है जे सी अपॉन जे डी। जे सी क्या है, कंडक्शन करंट है, और जे डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। जे सी क्या कंडक्शन करंट, जे डी क्या डिस्प्लेसमेंट करंट। तो टेन डेल्टा इक्वल टू सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। ये याद करने की जरूरत नहीं है, सही सही क्वेश्चन इससे आते हैं मैक्सिमम, इससे कभी कभी आया है लेकिन ज़्यादा आया नहीं है, इससे आते हैं। तो टेन डेल्टा इक्वल टू सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। और डेल्टा क्या है, लॉस, डेल्टा को कहते हैं लॉस एंगल। क्या कहते हैं, लॉस एंगल। आया समझ में। कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन सी इक्वल टू एप्सिलॉन डैश माइनस जे टाइम्स एप्सिलॉन डबल डैश, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये याद करने की जरूरत है, एप्सिलॉन 1 − सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। क्या, एप्सिलॉन इंटू 1 − सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। और यार रियल, ठीक है, जो सिग्मा डैश है उसके कहते हैं रियल कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी बोलते हैं, इसे कौन सा इमेजिनरी कंपोनेंट बोलते हैं। लॉस टेंजेंट होता है, वो तो पढ़ाई है, टेन डेल्टा इक्वल टू सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक है। अब आते हैं जो प्रोवाइड करती है, अगर वेव हमारी किस में प्रोवाइड करती है, फ्री स्पेस में। अगर वेव हमारी फ्री स्पेस में प्रोवाइड करती है तो फ्री स्पेस के लिए क्या होती है, सिग्मा इक्वल टू 0 होता है, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट के बराबर होती है, ठीक है। अगर क्या निकालनी है, अल्फा बीटा, इसे याद करना तो याद कर लो और निकाल लो, निकालना सीखो। देखो अगर सिग्मा 0 है, सिग्मा 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 − 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा 0 है तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 काट हो गया, तो आंसर कितना आएगा, ओमेगा रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन, ओमेगा रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन। और म्यू एप्सिलॉन क्या है, म्यूचुअल डोम्यू नॉट एप्सन एप्सन है, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 3 × 10^8 होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पीछे के लिए भी पा चुके हैं, ठीक है। अब फेज वेलोसिटी वो किसी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, जो फ्री स्पेस में फेज वेलोसिटी होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। बीटा वैल्यू निकाल लूँगी, लैम्डा वैल्यू 2π/β से, ठीक है। इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ईटा नॉट, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ईटा नॉट। देखो यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू 0 पुट करोगे, कितना 0 पुट करोगे, जियो ओमेगा, जियो ओमेगा कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, म्यू अपॉन एप्सिलॉन। और म्यू अपॉन एप्सिलॉन वैल्यू कितनी होती है, ये याद रखना, रूट ऑफ म्यू अपॉन एप्सिलॉन वैल्यू 120π/377 होती है। क्या होती है, 120π/377। तो यही हो जाएगा, ईटा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 377 या 120π, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, E और H का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किस डायरेक्शन आएगा, K की डायरेक्शन आ जाएगी, यहाँ पर वेव की डायरेक्शन आएगी, किस वेव की डायरेक्शन हमारी वेव प्रोपगेट हो रही है, ठीक है। एक समझ आगे, दूसरा क्या है, प्लेन वेव इन लॉसलेस डायलेक्ट्रिक्स या परफेक्ट डायलेक्ट्रिक, ठीक है। जो हमारी प्लेन वेव है किसमें प्रोपगेट हो रही है, लॉसलेस डायलेक्ट्रिक मतलब डायलेक्ट्रिक प्रोपगेट हो रही है। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिग्मा इक्वल टू 0 होता है और हमारे म्यूचुअल टू म्यूनोट एम यू आर एप्सन इंक्लूड एप्सन एन एप्सन एप्सन नोट एप्सन रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब सब पहले तो करोगे, सिग्मा 0 है, सिग्मा 0 तो अल्फा 0 हो जाएगा, बीटा इक्वल टू ओमेगा रूट एप्सन एन नॉट हो जाएगा, एप्सन एन नॉट हो जाएगा। वी फेज वेलोसिटी ओमेगा अपॉन बीटा से निकालोगे, ठीक है, या ओमेगा अपॉन बीटा या 1 √μ/ε, 1 √μ/ε। लैम्डा इक्वल टू 2π/β, हम फॉर्मूला पढ़ा ही होगा ये। अब मेन बात आती है इसकी, अगर इसमें सिग्मा इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर सिग्मा इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, म्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, म्यू अपॉन एप्सिलॉन, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू नॉट म्यू आर, एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और रूट ऑफ म्यू नॉट और म्यू एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, आर लेके कॉमन लाओगे तो आंसर कितना आएगा, कितना आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, 120 √ म्यू आर अपॉन म्यू एप्सिलॉन आर। ये क्वेश्चन एग्रीमेंट होगा, म्यू आर एप्सिलॉन आर पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आता है प्लेन वेव इनपुट कंडक्टर, प्लेन वेव हमारा केस में कंडक्टर में मूव कर रही है तो क्या होता है,
क्वालिटी होती है, सिग्मा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, साइन इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है, एप्सिलॉन नहीं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। तो अल्फा इनटू बीटा देखो इसमें क्या करोगे, इसमें हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 1, पुट करोगे अल्फा बीटा में, देखो पुट करके दिखा देते हैं। कंडक्टर के लिए ओमेगा एप्सिलॉन नॉट इज एक से बहुत बड़ा होता है, ठीक है, एक से बहुत बड़ा है तो उसका स्क्वायर तो और बड़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये बचेगा क्या बचेगा, ओमेगा अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन माइनस 1, ये एक से बहुत बड़ा है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सीधे क्या बचा, म्यू एप्सिलॉन अपॉन 2 सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक है, ये बचा। ओमेगा से ओमेगा कटेगा रूट ऑफ ओमेगा टाइम्स, क्या रूट ऑफ ओमेगा टाइम, ठीक है, और एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर के लिए बचेगा रूट ऑफ ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन 2, कितना बचेगा रूट ऑफ ओमेगा म्यू ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन 2, ऐसे ही बीटा बचेगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा रूट ऑफ ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन 2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 2πf के बराबर होती है, कितनी होती है ओमेगा 2πf, तो पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा रूट ऑफ पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई एफ म्यू सिग्मा, पाई एफ म्यू सिग्मा, ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू रूट ऑफ ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन 2 या फिर रूट ऑफ पाई एफ म्यू सिग्मा, ठीक है। फेज वेलोसिटी होती है v इक्वल टू ओमेगा अपॉन बीटा, क्या होती है ओमेगा अपॉन बीटा, ओमेगा बीटा के लिए यहाँ पुट करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पुट कर लेना है, ठीक है, क्या रूट ऑफ टू ओमेगा अपॉन म्यू सिग्मा, ठीक है, ऐसे रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसे पढ़ लो अल्फा की वैल्यू बीटा वी की वैल्यू, इतनी सब फॉर्मूला पढ़ी होगा तुमने, तो ये निकाल लोगे अपने आप से, लैम्डा इक्वल टू पाई अपन बीटा होता है, ठीक है। अब ये याद रख लो जो ईटा होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन कभी कभी फॉर्म हो जाते हैं, जो ईटा होता है म्यू सॉरी ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा, रूट ऑफ ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा, एंगल कितना होता है 45 डिग्री होता है, क्या होता है 45 डिग्री होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर आउट ऑफ फेज 45 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होता है ना, कितना होता है आउट ऑफ फेज 45 डिग्री इन टाइम इन गुड कंडक्टर, टाइम इन गुड कंडक्टर में किसका होता है 45 का आउट ऑफ फेज होता है, ये चैप्टर बड़ा है भाई, ये देखो स्कीम डेट क्या होता है, स्कीम डेट इट यूज इन पेनिट्रेशन लॉस कैलकुलेशन, स्कीम डेट होता है सिग्मा डेल्टा इक्वल टू 1/अल्फा, चाहे डेल्टा इक्वल टू 1/अल्फा याद रखो, कंडक्टर में क्या होती है डेल्टा इक्वल टू 1/अल्फा होती है कंडक्टर में, स्कीम डेट डेल्टा डेल्टा इक्वल टू 1/अल्फा, अल्फा के लिए पता है ये रूट ऑफ ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन 2 होता है या फिर पाई एफ म्यू सिग्मा, उसको उल्टा करके लिखोगे तो आंसर ही आएगा, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको याद करो डेल्टा इक्वल टू 1/अल्फा, ठीक है। जो स्किन रेजिस्टेंस होता है या सरफेस रेजिस्टेंस, स्किन रेजिस्टेंस सरफेस रेजिस्टेंस का होता है आर एस इक्वल टू 1/σ δ, आर एस इक्वल टू 1/σ δ, अब डेल्टा के लिए पुट करोगे तो आंसर कितना जाएगा, कितना जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद करना आर एस इक्वल टू सिग्मा अल्फा, अल्फा डेल्टा इक्वल टू 1/α, और अल्फा की वैल्यू इतनी पीछे में पढ़ाई क्योंकि, ठीक है। और देख लो स्किन डेप्थ इज यूजफुल इन कैलकुलेटिंग द एसी रेजिस्टेंस ड्यू टू स्किन इफेक्ट, जो स्किन डेप्थ होता है वो क्या होता है कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, किसके एसी रेजिस्टेंस और स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट में कितना एसी रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करता है, ठीक है। पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग थ्योरम क्या होती है, जो टोटल पावर लीविंग ऑफ द वॉल्यूम होता है, किस जितना उस वॉल्यूम से पावर लीव कर रहा है किसके बराबर होता है ओमिक पावर डेसिपेशन के, किसके ओमिक पावर डेसिपेशन के, या फिर रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी, रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन दोनों के एडिशन बराबर होती है, यही लिखा हुआ है, नेट पावर फ्लो आउट ऑफ द गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू द सम ऑफ ओमिक लॉस एंड द रेट ऑफ डिक्रीज एनर्जी स्टोर इन द वॉल्यूम बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे याद रख लो सीधे,
फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाता है, इससे क्वेश्चन फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है। सीधे फॉर्मूला लिखा मिल जाएगा, टिक लगाना होगा एक नंबर में, सिग्मा सॉरी माइनस क्लो सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एल सॉरी ई क्रॉस एच, क्या माइनस सरफेस इंटीग्रल ई क्रॉस एच इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी वॉल्यूम इंटीग्रल वन अपॉन टू सिग्मा ई स्क्वायर एप्सिलॉन ई स्क्वायर सॉरी एक बटे दो एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस एक बटे दो म्यू एच का होल स्क्वायर डी वी, वॉल्यूम इंटीग्रल है तो डी वी आएगा, प्लस इंटीग्रेशन बी सिग्मा ई स्क्वायर डी वी सिग्मा ई स्क्वायर डी वी ओमिक पावर डिसिपेशन, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर पी इक्वल टू होता है ई क्रॉस एच, ये कहा पावर होती होता है, तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है ई क्रॉस एच के बराबर होती है पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। ये देखो इंसिडेंट ऑफ ई एम वेव, इंसिडेंट ऑफ ई एम वेव, अगर कोई हमारी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका सिग्मा वन म्यू वन एप्सिलॉन वन सिग्मा टू एप्सिलॉन टू म्यू टू ये तीन चीज़ होती है, तो उसमें ई एम वेव आ रही है उसका कुछ रिफ्लेक्शन होगा और कुछ ट्रांसमीटर ट्रांसमिशन होगा या ट्रांसमिट करेगी, तो उसका जो रिफ्लेक्शन कोफिशियंट है, क्या रिफ्लेक्शन कोफिशियंट उसका किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल गामा, ये किसका फिगर है कैपिटल गामा, तो कैपिटल गामा होता है ई आर अपॉन ई मतलब कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है और कितना इंसिडेंट हो रहा है दोनों के रेशियो के बराबर, किसका ईटा टू माइनस ईटा वन अपॉन ईटा टू प्लस ईटा वन, क्या ईटा टू माइनस ईटा वन अपॉन ईटा टू प्लस ईटा वन इक्वल टू रूट ऑफ एप्सिलॉन वन माइनस एप्सिलॉन टू अपॉन रूट ऑफ एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू, ठीक है। याद रखना ये फॉर्मूला बहुत क्वेश्चन बनते हैं, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इक्वल टू या फिर ईटा दे रखे होंगे, ठीक है। ईटा क्या है इंटेंसिटी इंपीडेंट, ईटा टू माइनस ईटा वन अपॉन ईटा टू प्लस ईटा वन या फिर रूट ऑफ म्यू वन रूट ऑफ एप्सिलॉन वन इंटू माइनस रूट ऑफ एप्सिलॉन वन माइनस रूट ऑफ एप्सिलॉन टू अपॉन रूट ऑफ एप्सिलॉन वन प्लस रूट ऑफ एप्सिलॉन टू, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन के तो ये उल्टा हो जाता है, इससे क्वेश्चन आता है। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है क्या, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट वो वन प्लस गामा ई के बराबर होता है, वन प्लस गामा ई के बराबर होता है, वन प्लस गामा ई या रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के बराबर होता है, वन प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा टी इक्वल टू टू गामा टू ईटा टू अपॉन ईटा टू प्लस ईटा वन या फिर रूट ऑफ टू रूट ऑफ एप्सिलॉन वन अपॉन रूट ऑफ एप्सिलॉन वन प्लस रूट ऑफ एप्सिलॉन टू, ठीक है। इससे क्वेश्चन कम आते हैं, रिफ्लेक्शन ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन का। स्टैंडिंग वेव रेशियो, स्टैंडिंग वेव रेशियो क्वेश्चन बहुत आते हैं, स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या होता है वन प्लस मॉड ऑफ गामा अपॉन वन माइनस मॉड ऑफ गामा, गामा मॉड ऑफ गामा को रो से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, तो वन प्लस रो अपॉन वन माइनस रो, ठीक है। और एक चीज़ जो हमारा कैपिटल गामा है किस मॉड उसका क्या जीरो टू वन पे होता है, मिनिमम वैल्यू जीरो होती है मैक्सिमम वैल्यू वन होती है, यहाँ पुट करोगे तो एस की वैल्यू कितनी जाएगी वन टू इन्फोनाइट, ठीक है। स्टैंडिंग वेव रेशियो वन टू इन्फोनाइट वेरी करता है और जो हमारा कैपिटल गामा है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट तो वहाँ जीरो टू वन वेरी करता है, जीरो टू वन पावर डिसिपेंट निकालोगे तो टोटल आउटपुट रिफ्लेक्शन है, अगर रिफ्लेक्शन पावर निकालनी है तो क्या करोगे ईटा स्क्वायर इंटू पी इंसिडेंट, जितना पावर इंसिडेंट हो रहा है वो रिफ्लेक्शन पावर निकालना है तो गामा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ट्रांसमिट करना है तो वन माइनस गामा स्क्वायर, यहाँ पर जो इसकी जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आएगा या रिफ्लेक्शन पावर आएगी उसमें वन में से घटा दोगे तो ट्रांसमिटिंग पावर याद हो आ जाएगी, ठीक है। क्या बोला मैंने, जितनी रिफ्लेक्शन पावर आएगी अगर हम वो ट्रांसमिटिंग पावर निकालो पी इंसिडेंट से ये घटा दोगे या फिर फॉर्मूला याद करो वन माइनस गामा स्क्वायर इंटू पी इंसिडेंट, ये किससे होता है टोटल पावर ट्रांसमिटिंग की, ठीक है। ये देख लो ऑब्लिक इंसिडेंट मतलब कोई वेव इंसिडेंट कर रही है तो रिफ्लेक्ट होगी या फिर ट्रांसमिट होगी, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल बराबर होता है, ट्रांसमिट एंगल देखते हैं। देखो इस तरह से सॉल्व करेंगे उसको एन वन साइन थीटा वन इक्वल टू एन टू साइन थीटा टू, अब एन की वैल्यू देखो ये तो होता है एन वन साइन थीटा आई इंटू एन टू साइन थीटा टी, आई क्या है इंसिडेंट एंगल है थीटा टी क्या है ट्रांसमिटिंग एंगल है, जो एन वन की वैल्यू कितनी होती है सी रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन, क्या सी रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन एन टू वैल्यू सी रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन, अगर म्यू वन है म्यू टू भी वन है तो आंसर कितना आएगा सी रूट ऑफ एप्सिलॉन वन या फिर एन टू इक्वल टू सी रूट ऑफ एप्सिलॉन टू, ठीक है। इसको यहाँ पुट करोगे आंसर में
तो साइन थीटा टी अपन साइन थीटा आई किसके बराबर होता है, रूट एप्सिलॉन वन अपन एप्सिलॉन टू, ये याद रखना है क्या, साइन थीटा टी अपन साइन थीटा आई कितना, रूट ऑफ एप्सिलॉन वन अपॉन एप्सिलॉन टू। ठीक है, क्रिएट का एंगल क्या होता है, क्रिएट का एंगल वो होता है जो इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर देता है, मतलब जो हमारी कुछ एंगल से हमारी ट्रांसमिट होगी तो इसको हम बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो क्या करेगा कुछ हमारी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी ट्रांसमिशन लाइन, और बढ़ाएंगे तो क्या करेगी ये यहाँ से एंगल आई है वहीं पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल कैसे देखते हैं, साइन थीटा टी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, साइन थीटा टी कितना हो जाएगा, ट्रांसमिट एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री पुट करोगे, सॉरी यहाँ पर साइन 90 पुट करोगे, साइन 90 वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो साइन थीटा आई निकालोगे, साइन थीटा आई कितना हो जाएगा, या थीटा आई किसके थीटा सी बराबर हो जाएगा, जब ट्रांसमिटिंग एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो साइन इंसिडेंट एंगल किसके बराबर, क्रिटिकल एंगल बराबर हो जाता है, तो साइन थी सॉरी थीटा सी इक्वल टू हो जाएगा साइन इन बस रूट ऑफ एप्सिलॉन टू अपन एप्सिलॉन वन, याद रखना एप्सिलॉन वन अपन एप्सिलॉन टू यहाँ था, यहाँ पर रूट ऑफ एप्सिलॉन टू अपन एप्सिलॉन वन है, अंतिम कर देना, अगर इसको याद नहीं करना है तो एक एक फॉर्म याद रखो और कैसे यूज करते हैं वो देखते रहना, क्वेश्चन में आ जाएगा सबसे में आ जाएगा। अब क्या थीटा सी इज द मिनिमम एंगल, थीटा सी इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जस्ट स्टार्ट, उसमें जो थीटा सी से क्या हो जाता है टोटल इंसिडेंट टोटल रिफ्लेक्शन या इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या प्रॉपर्टी है, कंडीशन है, कंडीशन क्या है, एन वन की वैल्यू एन टू से ज़्यादा होनी चाहिए, या इंसिडेंट मीडियम है एन वन एन टू से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर एप्सिलॉन वन की वैल्यू एप्सिलॉन टू से ज़्यादा होनी चाहिए, थीटा आई थीटा सी से ज़्यादा होना चाहिए, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और उसमें ट्रांसमिशन कितना चाहिए कोफिशिएंट जीरो होना चाहिए, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट करने कितना चाहिए माइनस वन। अब आता है बूस्टर एंगल क्या होता है, इस पर क्वेश्चन बहुत आ रहा है। ठीक है, सीधे पूछेगा बूस्टर एंगल क्या होता है, तो साइन थीटा वी इक्वल टू साइन थीटा वी इक्वल टू रूट ऑफ एप्सिलॉन टू अपॉन एप्सिलॉन वन, यहाँ पर एन टू अपॉन एन वन, डेफिनेशन देख लो, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच कंप्लीट ट्रांसमिशन ऑफ ईएम वेव अकर, ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एक एंगल ऑफ इंसिडेंट है जो कि कंप्लीट ट्रांसमिशन ऑफ ईएम वेव अकर करता है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी है क्या है, व्हेन आर सर्कुलर और इलेप्टिकल पोलराइज वेव, जब कोई इलेप्टिकल सर्कुलर या इलेप्टिकल सर्कुलर या इलेप्टिकल वेव इंसिडेंट होती है एट बूस्टर एंगल पर, देन द रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिटेड वेव इज लीनियर पोलराइज, क्या बोला मैंने, अगर कोई भी एंगल थीटा बी एंगल पर इंसिडेंट हो रही है वो चाहे सर्कुलर पोलराइज हो चाहे इलेप्टिकल पोलराइज हो, जो रिफ्लेक्शन वेव या फिर ट्रांसमिटिंग वेव होगी वो क्या होगी, वो लीनियर पोलराइज वेव होगी, याद रखना, therefore this angle is known as polarization angle, और थीटा बी को हम क्या कह सकते हैं या फिर polarization angle भी कह सकते हैं, याद रखना इसको। ठीक है, अब polarization angle पता पड़ता है polarization होता क्या है। ठीक है, this is the this is the orientation of electric vector at a fixed position in space with respect to time, क्या बोल रहा है, पोजिशन वैक्टर फिक्स होता है इन स्पेस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, देखो सीधे क्वेश्चन आएगा इससे, डेफिनेशन छोड़ो सीधे क्वेश्चन आते हैं, देखो कंडीशन क्या है, अगर फाइव की वैल्यू 0 180 डिग्री हो तो हमारी वेव क्या होगी, लीनियर पोलराइज होगी, हमारे कोई ई एक्स कंपोनेंट दे रखा हो ई वाई कंपोनेंट दे रखा हो, अगर ऐसा नहीं दे रखा हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दे रखा हो, उसमें दोनों कंपोनेंट होंगे, अगर दोनों कंपोनेंट के बीच का जो एंगल डिफरेंस है 0 डिग्री या 180 डिग्री हो और ई एक्स नॉट ई एक्स वाई बराबर नहीं हो, क्या बोला मैंने, ई एक्स नॉट ई एक्स ई वाई नॉट के बराबर ना हो और इन दोनों के बीच का एंगल का डिफरेंस 0 180 डिग्री हो,
तो उसे कहते हैं लीनियर पोलराइज वेव, क्या बोलते हैं, लीनियर पोलराइज वेव। ठीक है, पैरेलल पोलराइज वेव क्या होती है, जब ई वाई जीरो, क्या ई वाई जीरो हो तो क्या बोल देंगे पैरेलल पोलराइज है, या और जब ई एक्स जीरो मतलब एक्स कंपोनेंट जीरो, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम बोल देंगे परपेंडिकुलर पोलराइज। पैरेलल पोलराइज मतलब ई वाई जीरो हो, परपेंडिकुलर पोलराइज मतलब ई एक्स जीरो। ठीक है, अब आता है सर्कुलर पोलराइज। सर्कुलर पोलराइज में क्या होना चाहिए, ई एक्स नोट ई वाई नोट दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या ई एक्स नोट ई वाई नोट बराबर होना चाहिए ई नोट के, और इन दोनों के बीच के एंगल का डिफरेंस प्लस माइनस 90 डिग्री होना चाहिए। तो उसे क्या बोलते हैं, सर्कुलर पोलराइज। ठीक है, अब सर्कुलर पोलराइज में अंतर होगा कि लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइज होगा या राइट हैंड को सर्कुलर पोलराइज होगा, क्वेश्चन फॉर्म होते हैं यहाँ से। ठीक है, वेव इज एज्यूम टू बी पोलराइज इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, मान लिया कोई जेड डायरेक्शन आ रही है, इफ फाई इज इक्वल टू प्लस 90 डिग्री है, क्या प्लस 90 डिग्री है, देन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्या क्लॉक वाइज डायरेक्शन या राइट हैंड वेक्टर, अगर 90 डिग्री है तो मतलब ये एंगल हमेशा एंगल पॉजिटिव है तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन मूव करेगा, अगर नेगेटिव है तो कौन सा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन मूव करना, याद रखना, अगर प्लस एंगल फाई अगर पॉजिटिव है तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, नेगेटिव है तो एंटी क्लॉक वाइज। वहाँ देखो अगर क्लॉक वाइज मूव कराना है तो कौन सा हाथ हमारे लिए सफिशियंट होगा, ऐसे मूव कर रहा है तो कौन सा हाथ, हैंड यूज हो रहा है, लेफ्ट हैंड यूज हो रहा है ना, ये याद रखना, क्लॉक वाइज मूव कर रहा है तो कौन सा हैंड यूज हो रहा है, लेफ्ट हैंड यूज हो रहा है, तो सीधे सीधे बोल देंगे लेफ्ट हैंड पोलराइज। ठीक है, 90 डिग्री है तो ऐसे एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज ऐसे जाएगा, तो एंटी क्लॉक वाइज में कौन सा हैंड यूज हो रहा है, राइट हैंड यूज हो रहा है, तो ये कौन सी हो जाएगी, ऐसे बोल देंगे राइट हैंड सर्कुलर पोलराइज। ठीक है, याद रखना। अब इलेप्टिकल पोलराइज क्या होते हैं, देखो इलेक्ट्रिकल पोलराइज में ई एक्स नॉट ई वाई नॉट के बराबर नहीं होगा, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 90 डिग्री। क्या बोला, इन दोनों के बीच का एंगल प्लस माइनस 90 डिग्री होगा, और ई एक्स नॉट इज नॉट इक्वल टू ई वाई नॉट के। ठीक है, ई एक्स ये पता ही होगा, पीछे पढ़ा चुके हैं, ये सब हो चुका है। ठीक है, इफ प्लस 90 डिग्री है तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन, वेव साइड और लेफ्ट हैंड पीछे आ चुके हैं, सही आ रहा है, ये देखो जो पोलराइज वेव होती है दो टाइप होती है, एक होती है एस पोलराइज, एक होती है पी पोलराइज। ठीक है, एक होती है एस पोलराइज और दूसरा होती है पी पोलराइज। एस पोलराइज में क्या होता है, एस पोलराइज में हमारी ये वेव प्रोपगेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेव के परपेंडिकुलर होती है, क्या होती है, प्लेन टू, दो इसे याद रखना, ये क्रॉस है ये डॉट है, क्रॉस क्या होता है, इनवर्ड और आउटवर्ड होता है वो तो पता है हमको, जब हम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, एस प्लेन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाई इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द एट ऑफ इंटरफेस द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज गिवन बाय। ठीक है, जो हमारा एस प्लेन पोलराइज के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर लाइन करता है, जिसमें किसके परपेंडिकुलर, इंटरफेरेंस के। ठीक है, और पी पोलराइज में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्लेन पर लाई करता है, जिस प्लेन पर इंटरफेरेंस करता है, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्लेन की मतलब प्लेन में इंटरफेस हो रही है, प्लेन के डायरेक्शन में। ठीक है, याद रखना, एस पोलराइज में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इंटरफेरेंस के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, और पी पोलराइज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इंटरफेरेंस के प्लेन के डायरेक्शन होती है, लाई करती है प्लेन में। ठीक है, इतना याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एस पोलराइज में परपेंडिकुलर होती है, इसमें लाई करती है, इसमें परपेंडिकुलर, ऐसे में पी में लाई करती है, ऐसे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और पी पोलराइज में लाई करती है, इतना याद रखना और कुछ नहीं, एक पॉइंट ये है बस, क्या बूस्टर एंगल इज वैलिड फॉर पी पोलराइज वेव, जो बूस्टर एंगल है वो हमेशा किसके लिए वैलिड होगा, पी पोलराइज, एस पोलराइज के लिए वैलिड नहीं होगा, किसके लिए पोलराइज होगा, पी पोलराइज के लिए वैलिड होगा, ये पॉइंट और याद रखना, एक नंबर पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, बूस्टर एंगल इज वैलिड फॉर विच पोलराइज वेव, कौन से पोलराइज के लिए,
पी प्लूराइज वेव ओनली, बस ठीक है, हमारे चैप्टर खत्म होता है, अगला हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, गुड बाय दोस्तों।